हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबे एक ही जगह बताऊंगा और 7 अजूबों की डिटेल जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बनता है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज मैं हूँ कोटा, जहाँ दुनिया के 7 अजूबे एक ही जगह हैं। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, मंदसौर से कोटा जंक्शन के बीच की जर्नी थी। गाइस, आपको 7 अजूबे एक जगह बता रहा हूँ तो आपका कर्तव्य, आपका धर्म इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। आप मजा लोगे और दोस्त नहीं लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अभी मैं कोटा हूँ, ये रूम लेकर, और अभी जाऊँगा। जस्ट 3 बज रही है शायद, अभी 3 बज रही है। अभी जाऊँगा आपको दुनिया के 7 अजूबे एक जगह देखने के लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं 7 वंडर पार्क। नहा दोगे रेडी, अब चलते हैं वंडर पार्क। कुछ इस प्रकार की हालत है कमरे की। पहुंच गए वंडर पार्क, अब अंदर जाके आपको सब बताऊंगा। ये कुछ इस प्रकार है कोटा का व्यू, तो चलते हैं अंदर। गाइस, यहाँ टिकट कटती है, यहाँ से टिकट कटा के ये ओनली 10 रुपये। और इस प्रकार का अंदर का व्यू है यहाँ से, और पानी बहुत ही खतरनाक आने की संभावना है। 10 रुपये लगेंगे और इसकी टाइम दिन में 2:30 पे खुलता है, रात को 10 बजे तक। टाइम का विशेष ध्यान रखें आप। दोस्तों, ये कालीजियम, इटली के रोम शहर में स्थित है। ये पूरी जानकारी दे रखी है। बहुत ही शानदार नजारा। देख सकते हो आप। मैंने पहले बोला है दोस्तों, वीडियो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एंजॉयमेंट करो। और अगला ये मिस्र का विशाल पिरामिड, जो कि पूरी जानकारी यहाँ लिख रखी है, वीडियो रोक कर देख सकते हो। और ये है पिरामिड, आकार देखो आप चारों तरफ से इसका। रात को लाइटों की व्यवस्था है यहाँ, 11 बजे तक खुला रहता है। तो पानी के छींटे भी आने लगे हैं। तो अब पिरामिड के बाद चलते हैं अपने इंडिया का ताजमहल, जो कि 7 अजूबों में से सबसे शानदार यही लगता है। तो चलते हैं आपको ताजमहल बताने। पूरे गार्डन है और 100-100 मीटर के दूरी पर ये सब बना रखे हैं अलग अलग पिरामिड वगैरह। तो चलते हैं ताजमहल की ओर। ताजमहल, दोस्तों ताजमहल की जानकारी वीडियो रोक कर देख सकते हो। और ये नजारा शानदार। गाइस, पानी खतरनाक आने में है अभी, और वीडियो रोक के आप जानकारी देख सकते हो। और एक इस जगह की सबसे खास बात, यहाँ एक पिक्चर की शूटिंग हुई है। जो फिल्म में देखते हो उसको तो पता होएगा, बद्री की दुल्हनिया की यहाँ शूटिंग भी हुई थी।
ताजमहल के बाद चलते हैं दूसरी इमारत। गाइस अगला स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी जानकारी देख लो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण अमेरिका एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ था। दोनों के बीच ये आप देख सकते हो, पानी आ जाएगा नीचे। और यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बहुत ही शानदार। और यह है कोटा की होटल, क्या नाम है इसका कुछ पता नहीं है। और ये सब किशोर सागर झील के किनारे बनाया गया है, ये भी आपने बद्री की दुल्हनिया में देखा है। और यह है किशोर सागर झील। इस झील पर आगे छोटा सा डैम भी है। और नेक्स्ट पिसा की चुक्की मीनार, इटली देश के पिसा शहर में स्थित है। ये झुकी हुई मीनार, झुकी हुई तो दिख नहीं रही है, झुकी है गाइस, अगर आपको दिख रहा तो देखो ध्यान से, झुकी हुई मीनार। सातों अजूबे एक साथ देखने के लिए चैनल को एक लाइक तो बनता है गाइस। और आप भी अगर घूमने आओ तो ये जगह कोटा की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि दुनिया के साथ अजूबे एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। किशोर सागर झील के किनारे बनाया गया है ये। चलते हैं पीछे, उस टावर जैसा दिख रहा है, इसका क्या है नाम वगैरह। और ये सब 100 मीटर की दूरी पर बनाए रखे। पर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और ये पूरा एफिल टावर स्टील से बनाया गया था उस टाइम पर। अब क्या पता है गाय से बना है, पर जो रियल में है स्टील से बनाया हुआ। और ये पानी भरा है, कलर कौन सा अलग ही है, कुआ हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ के सातों जीव मैंने एक जगह बताई। और ये पीछे है, ये फिल्म में 100% आया है, बद्री की दुल्हनिया में देख सकते हो आप। और मुझे यहाँ सबसे बेस्ट लगा अपना इंडिया का ताजमहल। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। और ये इस झील में बोट वगैरह में बैठना चाहते हो तो ये है, ये चल रही है बोटें यहाँ पर।
जेल में बोट चल रही है, और वो जो सामने आपको हाईवे दिख रहा है वहीं से आए हम भी। और मुझे तो सबसे अच्छा अपना इंडिया का ताजमहल ही लगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को क्या करना है, लाइक, और चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। और ये दुनिया के सातों जुबे एक जगह किशोर सागर झील के किनारे बनाए गए हैं। ये पानी चंबल नदी का ही है, इसके जस्ट आगे चंबल नदी है। और ये होटल है मेरे पीछे। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ताजमहल लगा सबसे बेस्ट। फ्रेंड्स बाहर आ चुका हूँ, और ये मेन गेट है। और ये बाहर है, और ये मैंने बोला था आपको डैम है। 5 गेट है शायद इसके, किशोर सागर झील, इसके किनारे पे है ये दुनिया के सातों अजूबे। ये पार्किंग है और वहाँ से एंट्री है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दुनिया के सातों अजूबे एक जगह बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा, अगर आप घूमने आओ तो कोटा की ये जगह शानदार है। ये बोट चल रही है पीछे, और ये डैम में बाहर जाके इसका भी मैं व्यू बताऊँगा आपको, बहुत ही शानदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको अपना आगरा का ताजमहल देखना है तो कमेंट करो और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो। बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।